ये है गाबे, इसको ना फिनालों के पत्ते भी बोलते हैं। प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी उत्तराखंडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम सब भी अच्छे हैं और नाश्ता वगैरह हो गया है और सारा काम हो गया। सारा काम नहीं हुआ है कि कपड़े धोने ही हैं। आपको जैसे पता है कि मेरे इतने काम तो रह ही जाते हैं बात बात के, तो चलिए कपड़े भी धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको बाद में। बच्चे गए हैं स्कूल और इतनी तेज़ धूप लग रही है, गर्मी तो इतनी हो रही है पूछे मत। खैर कोई बात नहीं, एक महीने की गर्मी और झेलनी है, फिर अक्टूबर से तो ठंडा रह जाएगा, मतलब ठंडा होने लग जाएगा। हेलो बेबी, हेलो। नहाई धोई करके आ गए आप? आपने नहाई धोई कर ली? नहाई धोई कर ली बाबू? धोई करके निन्ना आ गई। ओहो। तो दोस्तों बज गया है दिन का 11 और अब ना मैं सब्जी काटती हूँ गाबे की, जो मम्मी ने परसों रखी हुई थी ना राखी के दिन हमारे, तो वो वाली सब्जी काटती हूँ गाबे। गाबे हाँ, भात के साथ गाबे की सब्जी बनाएंगे और दही के साथ खाएंगे या झोली बनाऊंगी। झोली तो मुझे पसंद नहीं है, मतलब उसके साथ सिंपल सा भात और गाबे की सब्जी और दही पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 बज गया तो उसको छीलने में टाइम लगता है और हाथों में ना खुजली सी हो जाती है, उसको छील के खुजली हो जाती है। और हाँ, राखी में ना मेहंदी भी नहीं लगाई थी, सबने लगाई थी पर मैंने नहीं लगाई थी। चलिए नाश्ता कर रखा है ना तो पेट फुल हो रहा है। पेट जब फुल होता है तो आलस आता है, लाल आस नहीं आ रहा आलस। तो चलिए सब्जी काट लेती हूँ बैठ के और खाना बनाने की तैयारी भी करते हैं। 11 बज रहा है तो 2 बजे तक तो आराम से बन जाएगा, 1:30 बजे तक आराम से बन जाएगा। बच्चों के आने तक खाना तैयार कर लूँगी, फिर खाएंगे आराम से। तो दोस्तों ये है गाबे और इसको फिनालों के पत्ते भी बोलते हैं, अरबी के पत्ते भी बोलते हैं। तो इसकी सब्जी बना रही, इसके ना छिकल पहले निकालते हैं और इससे खुजली बहुत लगती है यार हाथ में। तो अगर जैसे खुजली लगती है या तो मैं नमक लगा लेती हूँ या तेल, वैसे मैं ज़्यादातर नमक ही लगाती हूँ हाथों में अगर जैसे इससे खुजली लग गई तो। इसलिए पहले इसके छिकल ऐसे ऐसे निकाल के इसको कट करके अच्छी तरह साफ पानी से धो के मैं 2-3 बार धोती हूँ। और इसके पत्ते ना पूरे खोल के कट करने पड़ते क्योंकि इसके अंदर ना कभी कीड़े भी होते हैं, इसके जो इसके पत्ते हैं मुड़े से रहते ना इसके पत्ते, तो इसके अंदर ना कभी वो भी रहते कीड़े। तो इसलिए इसको अच्छी तरह छांट छूट के और इसमें पूरी भी मिक्स करूँगी और देखूँगी। आलू और मूली भी मिक्स कर सकते हैं, मूली तो है नहीं और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है मूली, तो इसलिए ये वाली सब्जी आज मैं बना रही हूँ आपके साथ। और बच्चे भी अच्छा मानते हैं, कभी कभार ही बनती नहीं ये सब्जी तो करती हूँ बना। तो दोस्तों ये है इसका डंडा, ये ऐसे जो पहाड़ी है सभी को पता होगा, इसको ऐसे कट कर लेंगे। ये निकला इसका छिक्कल, तो इसको मैं बीच से कट कर देती हूँ, थोड़ा लंबा सा हो रहा है ना तो काटूँ। पर इसको करने में ना इसको छिक्कल निकालने में डर यही रहता है, बस हाथों में बहुत खुजली लगती है। चलिए कर देती हूँ ना, काम कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपको। इसका पत्ता दिखाती हूँ आपको, ये है मुड़ा सा और इसके पकौड़ियाँ भी बनती हैं। इसको ऐसे अच्छी तरह खोल खोल के, कर लेती हूँ अपने काम, वरना हाथ इससे ना हाथ मेहंदी वाले हो जाते हैं, मतलब अभी ऐसे हाथ है ना थोड़ी देर में इससे मेहंदी ऐसी लग जाएगी। मैं आपको इसके बाद वाले भी हाथ दिखाऊंगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ काम, वरना काम नहीं हो पाएगा टाइम पे। तो दोस्तों काट दिए हैं गाबे मैंने, इसकी सब्जी कट कर दी है और ये ना थोड़ा बड़े बड़े भी काट दो तो इसके पत्ते एकदम से पक जाते हैं, गल जाते हैं सब्जी, ये वाली सब्जी गल जाती है। अब इसमें एक तुरई काटूंगी, आलू भी काटूंगी, तो बहुत जाती है सब्जी। तो अब बनाती हूँ मैं, 12 बज गया है पूरा, इसको बनाती हूँ और हाथ दिखाती हूँ अपने। हाँ ये दिख रही है मेहंदी, हल्का हल्का लगाया, ज़्यादा नहीं, वैसे ज़्यादा भी लग जाता है। तो अब मैं बनाती हूँ भात और सब्जी। तो दिन का खाना वगैरह खा लिया हमने और यू भी कर रहा है ट्यूशन का होमवर्क और बाहर धूप लगी हुई है। अभी बज गया है दिन का 2:30 बज गया है और यू भी को ट्यूशन जाना है 4 बजे, तो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद मिलेंगे हम आपको चाय पीते टाइम, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर से। तो दोस्तों छत में आ गए हम लोग
और मौसम किस किस टाइम बारिश वाला हो रहा है। और उधर ना मंदिर के वहाँ पर राधे कृष्ण वाले हैं, वो सब कीर्तन कर रहे हैं वहाँ पर। भानु डॉल दिखा, तेरी मम्मी देखेगी कल वाला ब्लॉग। डॉल दिखा, लड़की वाली चीजें से खेलना है ये लड़की। इसकी डॉल इसकी डॉल से खेल रहा है भानु, इसकी डॉल से खेल रहा है। जा, ये गई डॉल, गई गई गई। अभी चला रहे हैं डॉल वाली गाड़ी। चल चलिए, यह बड़ी अच्छी वाली हवा चल रही, छत में हवा चली है और नीचे गर्म हो रहा है और इनने हल्ला मचा रखा है। इनको खिला, कैसे देखिए हो, खुश हो गई, नाच कर दिया। परी दे कह रही हो, दे कह रही हो, हाथ में रख, हाथ में रख, रख दे उसके हाथ में, दे दे उसके हाथ में, दे दे ना, पकड़ो पकड़ो लो। छोड़ दे, बच्ची वहां पर अपनी छत में झूला झूल रही है। यहाँ पर कैसे बैठे हैं यहाँ पर, ये सब लूट गिरने, ये दोस्तों हो गई है शाम। अब मैं खाना बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ शाम को लौकी की सब्जी। आटा मैंने घूम लिया है, लौकी की सब्जी मैंने बनाने रख दी है लोहे की कढ़ाई में। और बच्चों को अब अंदर को बुलाती हूँ कि संध्या समय हो गया, शाम हो गई, अंधेरा होने लग रहा है बाहर, तो बच्चों को बुला के लाती हूँ अंदर। और छत से हम पहले ही नीचे आ गए थे, फिर आने के बाद खाना बनाने की तैयारी करी है। तो चलिए खाना खाना बनाती हूँ और बच्चों को बुलाती हूँ। देखिए बाहर अंधेरा हो चुका है, तो आई उस बाहर आई इसको बुला के लाती हूँ। और यू भी ना छत से मतलब ऊपर ग्रिल से देख रहे, एक गाड़ी जा रही है ना भैया के सामने पे, तो उसको गाड़ियाँ देखने की बहुत ज़्यादा शौक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऐसे बैठी हूँ ना, आई उसने ना राधे कृष्ण बना रखे, ये दिख नहीं रहा साफ। तुम्हें कैमरा वैसे करके दिखाऊं, ये है राधे कृष्ण, ये आईब्रो बना रखी, बाल बना रखे हैं, बाल ऐसे बाल तो बनी कहां है फिर अभी सही से। तो दोस्तों अभी पूरे नहीं बना रखे हैं, जब पूरे बनाएंगे ना तो भी दिखाऊंगी। तो राधे कृष्ण बना रहा है, और जैसे कि जन्माष्टमी अब आने वाली है तो ऐसे बना रहा है, स्कूल के लिए बना रहा है, कैसे बना रहा है, घर के लिए बना रहा है। तो सब्जी मेरी बन गई है, आटा तो बन गया है, थोड़ी देर में रोटी बनाती हूँ। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में इस समय, अब मैं ना रोटी बनाना शुरू कर देती हूँ। सब्जी बन चुकी है, रोटी बना लेती हूँ। लौकी की सब्जी यू भी खा रहा है, यहाँ पे आयुष खा रहा है, ये है मेरा खाना, हरी मिर्च। तो अब खाना शुरू करते हैं, तो दोस्तों खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों खाना वगैरह हो गया, हमारा खाना खा लिया है और बर्तन वर्तन भी मैंने धो दिए, किचन भी साफ कर दिया है। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू एंड बाय। Audio Jungle.